हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंजो गुरु। दोस्तों, हम जब भी प्रोग्राम में बैठते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। तो आइए सीखते हैं गणेश वंदना नोटेशन के साथ। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। तो इसमें नोटेशन क्या लगना है, आप हमारे फिंगर को देखिएगा और की को भी देखिएगा। सा सा रे रे गा 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 गा। गा गा मा गा रे रे। क्या निकला? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। अब चलते हैं आगे। माता जाकी पार्वती। नीनी सानी रे रे रेसा। पिता महादेवा। गा गा रेसा सा सा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये आपका गणेश वंदना का ये मुखड़ा हो गया। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड लाइन आता है वो भी सेम टू सेम आपका बजेगा। सेकंड लाइन क्या है? पहला लाइन है जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। सेकंड लाइन है पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे, संत करे सेवा। तो इस सेकंड लाइन को भी आपको सेम टू सेम जैसे आपने पहले बजाया है मुखड़े में जय गणेश, जय गणेश, उसी तरह से इसको भी बजाना है। अब चलते हैं अंतरा की तरफ। अंतरा का बोल क्या है? एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी। इसमें क्या क्या नोट लगना है ध्यान से देखेंगे आप। एक दंत दयावंत, बहुत सरल इसका नोटेशन है। सा सा गामा पा 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 पा। एक दंत दयावंत, तो दयावंत में आपको पा पे ही निकल जाएगा। चार भुजा धारी, मा मा पापा मागा। एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी। सा सा गामा पापा पापा, मा मा पापा मागा। इसके आगे माथे पर तिलक सोहे, मुश्की सवारी। इसको भी आपको सेम टू सेम बजाना है। कैसे बजाना है? सा सा गा गा मा पा पा पा, मा मा पा पा मा गा। एक
ये आपका दोनों लाइन जो है सेम टू सेम नोटेशन से बजेगा। ध्यान से आप देखेंगे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मुश की सवारी। इसके बाद आगे का लाइन तो आपको पता ही होगा, तो आगे का जो लाइन है वो सेम टू सेम मुखड़ा जैसा है, मुखड़े का नोटेशन बजेगा। इस तरह से आप इस वंदना को आप इस नोटेशन के माध्यम से आप बजा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, इसमें दोनों माँ लगता है, एक माँ तो ये शुद्ध माँ हो गया, अंतरे में ये तीव्र स्वर जो है ये भी इसमें लगता है। तो अंतरा में इसको ये लगता है, एक बार मैं बजा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसे लगी। और अगर नोटेशन समझ में नहीं आता हो तो वीडियो को आप दोबारा चालू कर लें तो आसानी से आप समझ जाएंगे।